नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू मॉडल मेकर से, नोएडा इंडिया से। मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरह से ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट वर्क करता है। आपको तो पता ही है कि आजकल सभी बिल्डिंग्स में सभी में सोलर पैनल लगे हैं। तो ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट जो है वो ये होता है कि आपकी जो बिल्डिंग है वो ज़्यादा एनर्जी नहीं लेती, ज़्यादा मतलब पावर नहीं खाती, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है। काफ़ी सारी चीज़ें उसमें ऐसी होती हैं जिसमें कि जैसे पानी को सेव करना। तो ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरे डिटेल देखने के लिए गूगल करिए, गूगल में आप लिखिए व्हाट इज़ ग्रीन बिल्डिंग प्रोसेस, तो आपको बहुत सारा कुछ पता लग जाएगा उसमें। तो मैंने कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई हैं जैसे रूफ़ पे हम लोग गार्डनिंग कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं बिल्डिंग में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बाद में हम उसी पानी को प्लांट्स में दे देते हैं जो बिल्डिंग के आसपास लगे हैं। और कुछ पार्किंग सेंसर्स होते हैं जो पार्किंग के अंदर में जब गाड़ियाँ आती हैं तो उसका उसकी स्मोक को ये इलेक्ट्रोड मेथड से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। हमें तीन तरह के डस्टबिन होते हैं, आपको पता ही है फ्रेंड्स। अभी इसकी डिटेल मैं नहीं बता सकता कम समय होने के कारण। आप इन तीन तरह के डस्टबिन को, तीन कलर के डस्टबिन को गूगल पर सर्च कर सकते हैं। समय का कम होने के कारण मैं आपको जल्दी में थोड़ा बताता हूँ कि किस तरह से ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट में हमने क्या क्या इसमें दिखाया हुआ है और कैसे वर्क करता है। देखो दोस्तों, ये है एक आपका लाइट डिपेंडेंट सर्किट। दोस्तों ये एक लाइट डिपेंडेंट सर्किट है। ये क्या करता है कि जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ पे लाइट्स ऑन हो गई हैं, इस बिल्डिंग में लाइट्स ऑन हो गई हैं। जब भी हम आप मान लीजिए जब भी इस सेंसर पे सनलाइट पड़ेगी तो ये लाइट्स बंद हो जाएंगी ऑटोमेटिक। दोस्तों अभी मेरी जो लाइट है ये बहुत सफिशेंट नहीं है। सनलाइट जो होती है वो बहुत तेज़ होती है, तो सनलाइट की जो पावर है वो इस मेरी एलईडी लाइट से बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए अभी सर्किट आप देख रहे होंगे कि मुझे इसमें सब बहुत नज़दीक लेके जाना पड़ रहा है इसको, लेकिन सनलाइट में ये बहुत जल्दी ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। हमने इसको प्रैक्टिकली चेक करके देखा है बाहर ले जाके। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जब भी बिल्डिंग में सुबह सुबह हम लोगों को सारी लाइट्स बंद करनी होती है, ऐसा नहीं होता। अभी हमारी जो स्मार्ट बिल्डिंग है इसमें ऑटोमेटिक सनलाइट जैसी आएगी, जैसे ही सूर्योदय होगा, जैसे ही आपको हम इसको सेंसर को सूरज दिखेगा, ये ऑटोमेटिक बिल्डिंग की लाइट्स को बंद कर देगा। अभी हमने एक ही फ्लोर में इसमें आपको लगा के दिखाया है, बाकी अगर आप बड़ा मॉडल बनाते हैं तो आप सारी बिल्डिंग्स में इस तरह से दिखा सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, आपको हर एक एलईडी में एक एक ओम का सॉरी 10-10 ओम का रेजिस्टेंस लगा देना चाहिए, अदरवाइज आपकी एलईडी जल जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी 9 वोल्ट की बैटरी से। सॉरी फ्रेंड्स, ये जो आपको मैंने स्ट्रिप दिखाई है ये इंडिकेट कर रही है कि पीजो सेंसर्स हैं। इस पर जब भी कोई लोग चलते हैं तो इससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। आप इसको गूगल कर सकते हैं, आपको मालूम चल जाएगा कि पीजो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस बारे में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप मेरे को 9818479606 पे कॉन्टैक्ट करिए, या मेरे को व्हाट्सअप करिए, या आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आपको अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है या आप अर्जेंटली कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे फ़ोन करिए। मेरा नंबर है 9818479606। मैं हूँ सोनू मॉडल मेकर, नोएडा से, इंडिया से। थैंक यू फ्रेंड्स, और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।